आज वेद स्वाध्याय के अंतर्गत आर्याभिविनय ग्रंथ में प्रथम प्रकाश में 40वां मंत्र पढ़ा गया। आज के मंत्र में बताया है तम ईडत, उसकी स्तुति करो। तम उसकी, किसकी? ईश्वर की। ईडत स्तुति करो, ईश्वर की स्तुति करनी चाहिए, उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। स्तुति का अर्थ होता है किसी पदार्थ के गुणों को कहना, सुनना, पढ़ना, दोहराना, ये स्तुति कहलाती। तो ईश्वर की स्तुति का अर्थ हुआ ईश्वर के गुणों को पढ़ो, सुनो, जानो, दोहराओ, बोलो, ये ईश्वर की स्तुति है। स्तुति करने से उस वस्तु में रुचि उत्पन्न होती है। जिस वस्तु की हम स्तुति करते हैं उसमें हमारी रुचि उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए, जैसे टेलीविजन में सुबह से शाम तक पूरा दिन विज्ञापन आते रहते हैं, बहुत सी कंपनी वाले लोग अपनी अपनी वस्तु का उत्पादन का विज्ञापन करते हैं और उस विज्ञापन में वो अपनी वस्तु के गुण बताते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं कि हमारा साबुन बहुत अच्छा है, 40 बार धोने के बाद भी कपड़े नए दिखते हैं और हाथ भी नहीं काटता है और सस्ता भी है, भाव में भी कम है और दो साबुन खरीदो तो तीसरा फ्री में भी है, ऐसे उसकी स्तुति करते हैं तो लोगों में रुचि उत्पन्न होती है, लोग जाते हैं दुकान पर वही साबुन खरीदेंगे। तो इस प्रकार से जिस वस्तु की स्तुति की जाती है उसमें रुचि उत्पन्न होती है। अब ईश्वर की भी स्तुति करेंगे तो उसमें भी रुचि होगी, इसलिए कहा ईश्वर की स्तुति करो। तम ईडत, ईश्वर की स्तुति करो। और जब स्तुति करेंगे तो क्यों करेंगे, रुचि क्यों उत्पन्न करना चाहते हैं? उससे कुछ मांगेंगे, कुछ लाभ होगा, इसलिए स्तुति करनी चाहिए। स्तुति करने वाला व्यक्ति अपने मन में प्रार्थना भी रखता है, जिसको कुछ मांगना नहीं, कुछ प्रार्थना नहीं करनी, वो स्तुति भी क्यों करेगा? पहले भी मैंने उदाहरण दिया था, फिर दोहरा देता हूं। एक गरीब व्यक्ति किसी सेठ जी के पास गया और सेठ जी की स्तुति करने लगा। हे सेठ जी, आप बड़े धनवान हैं, आप बड़े बलवान हैं, आप बड़े बुद्धिमान हैं, आप गरीबों के रक्षक हैं, आप सबके अन्नदाता हैं, ऐसे ऐसे सेठ जी की स्तुति करने लगा। तो सेठ जी समझ गए कि हमारी स्तुति क्यों हो रही है, ये क्यों स्तुति कर रहा है, कुछ मांगेगा। तो सेठ जी, हम 4 दिन से खा भूखे बैठे हैं या 2 दिन से खाना नहीं खाया, कुछ हमको दो। तो उसको कुछ मन में प्रार्थना है इसलिए वो स्तुति कर रहा है। अगर सेठ जी से कुछ लेना नहीं हो तो वो कोई स्तुति नहीं करने वाला, कोई नहीं जाएगा सेठ के पास और उसकी कोई प्रशंसा नहीं करेगा। तो इस प्रकार से ये पता चलता है कि जब हम किसी की स्तुति करते हैं तो हमारे मन में कुछ प्रार्थना होती है, हम उससे वो चीज़ प्राप्त करना चाहते हैं। तो इसलिए कहा ईश्वर की स्तुति करो और ईश्वर से प्रार्थना करो, कुछ मांग लो, वो देने वाला है, बहुत कुछ देता है, इसलिए उसकी स्तुति करो और मांग लो। क्या क्या गुण हैं ईश्वर में उसको आगे बताते हैं। प्रथम, वो सबसे पहले से विद्यमान है। जब सृष्टि भी नहीं बनी थी, सूर्य चंद्रमा कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ था, प्राणी भी उत्पन्न नहीं हुए थे, शरीर आदि प्रलय अवस्था थी, तब भी वो सबसे पहले ठीक ठाक होश में था, पूरे होश में था, स्वस्थ था, बलवान था, सर्वगुण संपन्न था और उसी ने अपनी शक्ति से, गुणों से, योग्यता से ये सारा जगत बनाया। ये प्रथम इस शब्द का अर्थ हुआ कि वो पहले से विद्यमान था, उसी ने सब जगत बनाया। फिर और क्या विशेषता है ईश्वर में? यज्ञ साधम, यज्ञ को सिद्ध करने वाला है,
यज्ञ में सहयोग करता है। एक तो ये सृष्टि रूपी यज्ञ चल रहा है, ये जो संसार चल रहा है इसको भी यज्ञ कहते हैं, क्योंकि यज्ञ में जो धातु है यज्ञ शब्द में वो है यज धातु, और उसके तीन अर्थ हैं। आपने पहले भी सुने होंगे, एक है देव पूजा, दूसरा है संगतिकरण, और तीसरा है दान। तो सृष्टि के अंदर संगतिकरण हो रहा है इसलिए इसको यज्ञ कहते हैं। देवताओं की पूजा भी होती रहती है और दान भी होता रहता है, सब कुछ होता रहता है, इसलिए इसको सृष्टि को एक यज्ञ के नाम से जाना जाता है। तो ईश्वर यज्ञ साधम इस यज्ञ को सिद्ध करने वाला है, सृष्टि को चलाने वाला है, सबका उत्पादक है। और दूसरा यज्ञ है विज्ञान आदि यज्ञ, जो हम ज्ञान प्राप्ति करते हैं, शास्त्रों को पढ़ते हैं, समाधि लगाते हैं, ध्यान लगाते हैं, ईश्वर का मनन चिंतन करते हैं, तो इस यज्ञ में भी ईश्वर हमारी सहायता करता है और हमको बहुत सारा ज्ञान देता है। तो सृष्टि यज्ञ का भी वो सिद्ध करने वाला है, ज्ञान आदि यज्ञ का भी सिद्ध करने वाला है, ऐसे उसके गुण हैं। तो इस तरह से ईश्वर की स्तुति करनी चाहिए। फिर कहते हैं विषाह, मनुष्य जो है रिंजसानम, जिसको विज्ञान आदि से विद्वान लोग सिद्ध करते हैं और जानते हैं, ऐसे ईश्वर को आरीह प्राप्त हो वो। तो जो ईश्वर ज्ञान से प्राप्त होता है, समाधि लगाने से, शास्त्रों को पढ़ने से, ज्ञान विज्ञान से ईश्वर की प्राप्ति होती है, और विद्वान लोग इसी पद्धति से ईश्वर को प्राप्त करते हैं अर्थात अनुभव करते हैं। तो इसी पद्धति से सब मनुष्य ईश्वर को प्राप्त हो गए, उसको अपना स्वामी माने, राजा माने, इस प्रकार से वो ईश्वर की अनुभूति करें। और कैसा है ईश्वर आगे बताते हैं। ऊर्जा, पृथ्वी आदि जगत रूप अन्न का, ऊर्जा, ऊर्ज शब्द अन्न आदि के लिए प्रयोग होता है निघंटु निरुक्त में, वेदों में। तो ईश्वर पृथ्वी आदि जगत रूपी अन्न का पुत्रम, पालन करने वाला है। तो ईश्वर पृथ्वी का पालन करता है और पृथ्वी पर बहुत सारा अन्न उत्पन्न करता है, उसकी रक्षा करता है, सब प्राणियों को खाने को देता है, सबके लिए अनाज बनाता है, गाय को मिलता है, घोड़े को मिलता है, गधे को मिलता है, बकरी को मिलता है, मनुष्य को मिलता है, चींटी को भी मिलता है, समुद्र में मछली को भी मिलता है, सबके लिए वो अन्न उत्पादन करता है, सबके लिए अन्न आदि देकर सबकी रक्षा करता है, इस तरह से ऊर्जा पुत्रम। फिर कहा भरतम, भरण पोषण करने वाला है, वो अन्न का पोषण भी करता है, उसको पुष्ट करता है, बढ़ाता है, उसको पकाता है अच्छी तरह से, ताकि सब प्राणी पका हुआ अन्न खाएं और अपने जीवन की रक्षा ठीक से कर पाए, इस तरह से वो भरण पोषण करने वाला है। और विशेषण बताया श्री प्रदानम, श्री गतौ धातु है, इसका अर्थ है गति, चलना। प्रदानम, प्रदानुम, जो देने वाला है, जो ईश्वर सब जगत को गति देने वाला है, सबको चलाता है, सूर्य को चलाता है, पृथ्वी को चलाता है, सब ग्रह उपग्रहों को चलाता है, प्राणियों को भी चलने की शक्ति देता है और उनके शरीर में सारी व्यवस्था करता है, इस प्रकार से वो शक्ति देने वाला है, चलने की शक्ति देता है और ज्ञान का दाता है। तो गति में ज्ञान अर्थ भी होता है, इसलिए ईश्वर ज्ञान भी देता है, चार वेदों का ज्ञान देता है, जिससे हमें पता चलता है क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या ठीक और क्या गलत, क्या अच्छा और क्या बुरा, वो सारा ज्ञान देता है। और तत्काल भी 24 घंटे ईश्वर हमको मन में कुछ ना कुछ ज्ञान देता रहता है कि ये काम अच्छा है ये करो, ये बुरा है ये मत करो, इस तरह से ईश्वर हमको ज्ञान देता रहता है। जब हम कोई योजना बनाते हैं काम करने की, तो उस समय यदि हमारे मन में भय शंका लज्जा ऐसी अनुभूति होती है, तो ये ईश्वर की ओर से सूचना दी जा रही है कि ये काम ठीक नहीं है, इसको ना करें।
इसका परिणाम अच्छा नहीं आएगा। और यदि कोई काम करते समय हमारे मन में आनंद होता है, उत्साह होता है, कोई भय नहीं लगता, निर्भयता होती है, इस तरह की अनुभूति हो तो समझना चाहिए ईश्वर की ओर से ये सूचना है कि यह काम अच्छा है, कर लो। इस प्रकार से ईश्वर हमको 24 घंटे ज्ञान देता रहता है। तो ऐसे गुणवान ईश्वर को देवा विद्वान लोग, जो वेदों के विद्वान हैं, योगाभ्यासी हैं, तपस्वी हैं, संयमी हैं, सदाचारी हैं, चरित्रवान हैं, ऐसे विद्वान लोग अग्निम धारयन, उसको अग्नि नाम से धारण करते हैं, अग्नि नाम से उसको स्वीकार करते हैं, अग्नि नाम से बोलते हैं कि ईश्वर अग्नि है। अग्नि का अर्थ है रास्ता दिखाने वाला। ये जो अग्नि है, रात को आप बैठते हैं स्कूटर पे कार में तो हेडलाइट जलाते हैं ना, वो हमको रास्ता दिखाती है, हेडलाइट वो अग्नि। और वैसे जंगल में चलेंगे तो कोई लैंप या मशाल लेके चलेंगे, कोई टॉर्च लेके चलेंगे, तो ये अग्नि है जो हमको रास्ता दिखाती है। सूर्य भी अग्नि है, ये हमको सब रास्ता दिखाता है दिन भर में। रात को चंद्रमा हमको रास्ता दिखाता है, वो भी एक अग्नि है। और ईश्वर हमें सारे जीवन भर रास्ता दिखाता है, ये करो ये मत करो, इसलिए ईश्वर भी अग्नि है। इसलिए विद्वान लोग उसको अग्नि नाम से स्वीकार करते हैं, धारण करते हैं। और एक अंतिम शब्द है द्रविणोदाम, वो ईश्वर ऐसा है। द्रविणम धन आदि को कहते हैं, तो द्रविण अर्थात निर्वाह के सब अन्न, जल आदि पदार्थ और विद्यादि धन, इन सबको देने वाला है। तो ऐसे अग्नि परमात्मा को छोड़कर अन्य किसी की भक्ति याचना किसी भी व्यक्ति को नहीं करनी चाहिए। जो ऐसे गुणों वाला सही ईश्वर है, वास्तविक ईश्वर है, उसी की भक्ति करें, पूजा करें, उपासना करें, ध्यान करें, व्यवहार में उसी की आज्ञा का पालन करें, यम नियमों का आचरण करें, अच्छी तरह ईमानदारी से जिएं, सच्चाई से जिएं, स्वयं भी सुखी रहें, दूसरों को भी सुख दें, न्याय से व्यवहार करें, किसी का अधिकार न छीने, झूठ छल कपट का प्रयोग नहीं करें, ये सब ईश्वर का आदेश है, उसका सुझाव है, इन चीज़ों का पालन करें, ये ईश्वर की भक्ति है। तो भक्ति में दो भाग हो गए, एक तो सुबह शाम बैठकर ईश्वर का ध्यान करना, इस तरह से आसन लगाकर आंख बंद करके इस तरह से ईश्वर का ध्यान करना, और दूसरा अपना व्यवहार शुद्ध रखना। ये दोनों बातें ईश्वर ने वेदों में बताई। इन सूचनाओं का, निर्देशों का, आदेशों का पालन करना, ये ईश्वर की भक्ति है। तो ऐसी भक्ति करनी चाहिए। और कोई लोग वृक्षों को धागे लपेट रहे हैं, कोई मज़ारों की पूजा कर रहे हैं, कोई मंदिरों में जा रहे हैं, कोई मूर्तियों की पूजा कर रहे हैं, कोई फोटो की पूजा कर रहे हैं, उससे कोई लाभ नहीं है। तो आज के मंत्र में कहा कि अन्य की पूजा उपासना न करें, उससे आपको वो लाभ नहीं होगा जो अभी गुण बताए ईश्वर वाले। ऐसे गुणवान ईश्वर की पूजा उपासना से जो लाभ होगा वो अन्य से नहीं होगा। इसलिए जैसा मंत्र में बताया, ऐसे गुणों वाले ईश्वर की उपासना करनी चाहिए। ये बातें आज मंत्र में बताई गई।